नमस्कार और आदाब। आज सनीचरी दिसंबर की 21 तारीख, पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। दो ब्रॉमफिट्सर्स का देहांत इसी हफ्ता में बीते हुए एतवार को हुआ है। एक हादसा हुआ है क्रॉसिंग अल्बर्ट लान और फ्रांशपान स्ट्रात का, इसी क्रॉसिंग इसी मोड़ पर। और 68 साल का 68 साल का एडमंड एंटोनियस, इनका देहांत वहीं पर हो गया है। ये पता चला है कि ये आदमी जो है एडमंड एंटोनियस, ये फ्रांशपान स्ट्रात जो एक फोर रंग स्वैक है, यहाँ पर फोर रंग नहीं दिए हैं और एक गाड़ी जाकर इनसे टकराया है। ये बुरी तरह से घायल हुए थे और वहीं पर इनका देहांत हो गया है। उसी दिन इतवार के सुबह में एक और हादसा हुआ है, यह है वाटरमोलन स्ट्रात में, जहां पर एक ब्रॉमफिट्सर मिचेल मोलेन, इनका हादसा भी हुआ था। 28 साल 28 यार का मिचेल मोलेन का देहांत बाद में अकादेमी सिकन हाउस पर हमारी मूवी भी हो गया है, क्योंकि ये भी बुरी तरह से घायल हुए थे। ये पता चला है कि ये अपना ब्रॉमफिट्स पर था और जाकर कुछ जो वहाँ पर फ्रिकेश पाल थे इनसे जाकर टकराए हैं। ये 12 मई तक जो है इस साल के वास्ते ये दोनों ब्रॉमफिट्सर्स के देहांत हो जाने से 57 तक 75 पर आकर पहुंच गए हैं। एक ओपिनी पैलिंग हुआ है पिछले हफ्ता और ये ओपिनी पैलिंग सुरीनाम OPS के जरिए, ये ओपिनी पैलिंग के मुताबिक इसमें बताया गया है कि 8 दिसंबर का जो स्ट्राफ प्रोसेस का फोनस जो है, जो फैसला क्राइस्ट रात ने सुनाया है, इसका काफ़ी असर पड़ा है NDP पर। एक्स लेखर लेदर देसी बौद्ध और इस वक्त वो NDP का फोर्सिटर और प्रेसिडेंट थे सुरीनाम देश का, इनको 20 साल के कैद का सजा सुनाया गया है। और ये फोनस सुनाने के या सजा सुनाने के बाद ये पता चला है कि ओपिनी पैलिंग में ये उतना ज़्यादा फेवरेट नहीं है लोगों के अंदर, उतना ज़्यादा ये चाहते अब नहीं है और लोग इनको अब प्रेसिडेंट नहीं चाहते। सिर्फ कम तादाद में लोग चाहते हैं कि प्रेसिडेंट देसी बौद्ध जो है फिर से प्रेसिडेंट बने अगला टर्मेन के वास्ते, अगला चुनाव के बाद जो आने वाले साल होने वाले हैं। यह पता चला है कि NDPH के दरमियान, NDPH के अंदर 87% चाहते हैं कि बौद्ध शफीर से प्रेसिडेंट बने, लेकिन बाकी के लोग जो है अगर वहां पर देखा जाए तो लोग ये नहीं चाहते हैं। NDPH के अलावा ये कहा गया है कि बाकी के लोग जो है इसमें फोनस से पहले 34% चाहते थे कि बौद्ध प्रेसिडेंट बने, लेकिन ये अब और कम हो गया है फोनस सुनाने के बाद, ये 25% हो चला है। फेहापे का फोर्सिटर चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये बौद्ध दशक के बाद NDP के बाहर, मतलब ये फेवरेट थे और लोग चाहते हैं 4-5% लोग चाहते हैं, दूसरे किसर्स जो होते हैं ये सब चाहते हैं कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रेसिडेंट बने अगले चुनाव के बाद। ये एक ओपिनी पैलिंग से पता चला है, ओपिनी पैलिंग एंड सुरीनाम OPS जो किए हैं सुरीनाम देश में। मिनिस्टर अंतवान एलियास जो है फोलक्सगेसोंथेक का मिनिस्टर, अरमान सुंदर जो फोर्सिटर है अलगमीना वर्कनेमर्स बॉन्ड का, इनको ये बताई है कि एक हिस्सा मजदूर जो RCR सौरभ होटल का है, फरवरी 2020 अगले साल से इन लोगों को वो नौकरी पर ले सकते हैं, अपने मिनिस्ट्री पर या कहीं और इन लोगों को नौकरी पर रखा जा सकता है। ये बात सुनकर AVB का बस्तूर ये सब काफ़ी खुश हुए हैं, क्योंकि जब सौरभ होटल बंद हुआ था तो ये नहीं पता था कि वहाँ का मजदूर जो है इन लोगों के साथ क्या होगा, ये सब कहाँ पर नौकरी करेंगे। सौरभ होटल में इकोनॉमिक और फिनंशियल मुश्किलात की वजह से ये साल ये सौरभ होटल जो है बंद करना पड़ा और तब ये यही चिंता था सबको और ये एक मुश्किलात एक मामला था कि यहाँ का मजदूर को कहाँ पर नौकरी पर रखा जाएगा। एलियास ये वादा किए थे और कुछ हद तक ये वादा वो पूरी किए हैं कि एक हिस्सा जो मजदूर है इन लोगों को वो नौकरी पर रखेंगे, बाकी के लोग कहाँ पर रखा जाएगा ये अभी तक नहीं पता है। एलियास बताइए कि इसमें कुछ वक्त लगा है क्योंकि इन्हें खुद क्योरिंग रसामंदी चाहिए थे, जो लोग इस में शामिल है यानी जिन लोगों को इसके लिए इजाज़त देना था, तो इसमें लोगों को ये फैसला का इंतज़ार करना था, इसलिए इसमें कुछ वक्त लगा है लोगों को ये बताने को कि अगले साल से ये सबको नौकरी पर रखा जाएगा।
कौनशीता बैरग्राफ एक माने जाने हुए और माने हुए गायिका सुरीनाम देश का जो है इनका देहांत इसी हफ्ता भी हुआ है 45 साल के आयु में। ये कुछ दिनों से बीमार थी और उसके बाद इनके देहांत हॉस्पिटल में हो गया है। परिवार, दोस्तों और फैंस जो है कौनशीता बैरग्राफ का इस बात से काफ़ी हैरान, काफ़ी शौक हुए है ये सुनकर कि 45 साल की गायिका जो है संगरेस कौनशीता बैरग्राफ के देहांत हो गया है। ये पता चला है कि जिस दिन इनके देहांत हुई है इसके बहन जो है और ये आस्त्रा बैरग्राफ के अंत्येष्टि क्रिया भी थे। बेशतर खबरों में बताया गया है कि इनसे अंतिम विदा लेने पर कौनशीता बैरग्राफ के देहांत हो गई है, लेकिन परिवार के सदस्य ये बताते हैं कि यह बिल्कुल सच बात नहीं है। कौनशीता बैरग्राफ के अंत्येष्टि क्रिया आज शनिचर को हुई है। वीन तेलख जो एनपीएस का हो विश्वसनीय थे और अपेंती पर ये अपना प्रोग्राम टू द पॉइंट करते हैं, इसको हिरासत में लिया गया है। इनका जो इन फर्शेकरिंग स्टेलिंग जो है, ये जो इन फर्शेकरिंग स्टेलिंग इनका है, रेख्तर कॉमिसारस जो है कहे है कि जायज़ है और ये रखमातक है और इसलिए इसको फरलेंगिंग दर तख्ताख का मिला है, 30 दिन का फरलेंगिंग मिला है, मतलब ये हिरासत में रहेगा। वीन तेलह जो है इसका नाम अखबारों में आए है पिछले हफ्ता जब ये पता चला है कि मुमकिन ये एक 16 साल के बच्ची का बलात्कारी किए है, एक नाबालिग लड़की का बलात्कारी किए है और ये एक बच्ची है जो वहाँ पर भी अपेंती में जहाँ पर वीन तेलह काम करती है वहीं पर ये बच्चे भी काम करती है। तेलह के जो राजमान है बनी तोपिक ये इनके रिहाई का मांग किए थे लेकिन जज ने इस पर गौर नहीं किए है। वैसे हम आपको ये बता दें कि तलख्त अपना तमाम जो काम है, अपना पदवी जो है होफ सुशलित का, वो इससे वापस हट गए हैं, कदम वापस लिए हैं और बाकी के जितना फंक्शंस, जितना वो इनके काम था जो करते थे इससे वो कदम वापस ले लिए हैं। इसका इन फर्शेकरिंग सेलिंग जो है दर तख्ताख से रेख्तर कॉमिसारस फरलेंग किए हैं और मुकदमा आगे कैसे होगा ये इस पर इनको कैद का सजा सुनाया जाएगा नहीं, ये काम उन्होंने किए हैं या नहीं पहले ये साबित होना चाहिए, उसके बाद इस पर हम आपको आगे खबरें देते रहेंगे कि क्या होगा। जनवरी की पहली तारीख आने वाले साल 2020 से अंशला सरजू जो है ये डीरेक्सी में भर्ती होंगे, डीरेक्सी लेट होंगे द सुरीनाम से बंका डी एस बी का। ये स्टीफन कोटिनो सीईओ जो है बंका, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी हमें दिए है। सरजू पहले लिथ था राफन कॉमिसारसन का और इनका बनुमेंट जो है ये खुद क्योर हुआ है, इसके लिए जो अलखमीन फरखादरी है आंदिल हौदश का अपना रजामंदी दिए है। कोटिनो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी था बंक में एक तीसरा डायरेक्टर लेट आए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है इतना बड़ा बंक के लिए, ये बहुत ज़रूरी था कि एक तीसरा डायरेक्टर लेट लोगों को, लोग इन्हें इस बंक में शामिल करें। सरजू जो चीफ रिस्क ऑफिसर रहेगा, चीफ रिस्क ऑफिसर रहेगा, ये बंक का जो रिसिकोज है इस पर ख़ास तौर पर गौर करेगा और इसमें इन्हें काफ़ी तजुर्बा है क्योंकि इससे पहले वो रिस्क मैनेजर था असूरिया फर्शेकरिंगन के पास। डीरेक्सी में बैठक लेते हैं आगे में रने फन रोय ये जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और कोटिनो अगस्त महीना से नया अलखमीन डायरेक्टर है द सुरीनाम से बंक का। सुरीनाम देश काफ़ी सब्जी एक्सपोर्ट करते हैं और इसमें से एक है करेला सुप्रोपो। ये पता चला है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक्सपोर्ट पे रुकावट डाला गया है, अब सुरीनाम देश जो है करेला एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एयू यानी यूरोपीय यूनियन का रेखों से इसके नियम कायदे कानून होते हैं, तो एक्सपोर्ट जो है जो सब्जी का और फल का दूसरे देशों तक खासतौर पर आसियाती से और अफ्रीकान से लंदन जो है यहाँ पर कुछ ख़ास रेखल्स होते हैं और इसी रेखल्स के मुताबिक ये कहा गया है कि सुरीनाम अब सुप्रोपो यानी करेला एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये न सिर्फ सुरीनाम देश के लिए रेखल्स है लेकिन सभी आसियाती से और अफ्रीकान से लंदन के वास्ते है।
ministerie van LVV, NEE, Nationaal Informatie Instituut, ke zariye ye khabar bahar laye hai ki bahut se log ye kehte hai ki ho sakta hai anjane mein ya ho sakta hai janboojhkar log ये एलफीफे का नाम बदनाम करते हैं कि लोग कुछ नहीं किए हैं इसमें रुकावट डालने के लिए कि ये एक्सपोर्ट जारी हो सके, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये पता चला है कि एक लेखक आए थे और एक स्क्राइफन जो है एयू का और सुरीनाम देस इस पर गौर नहीं किए हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। बाद में ये बताया गया है कि यह खत जो है एयू की तरफ से देर से सुरीनाम देस में आए हैं और देर से जब आए हैं तो देर से सुरीनाम देस इस पर गौर किए हैं। सुरीनाम देश इस पर अपना जवाब दे चुके हैं, लेकिन पता चला है कि एयू ने कहा है सुरीनाम देश ने 6 महीने का मोहरत और मांग किए हैं इस पर काम करने के लिए, लेकिन एयू का कहना है कि इस पर जवाब उन्होंने दिए हैं कि लोग इस पर गौर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा कहीं कानून तय नहीं हुए, कोई वैतलक हौसला नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये जो रुकावट आई है एक्सपोर्ट में करेला का ये ऐसा ही रहेगा, ये रुकावट नहीं हटाया जाएगा। खुयाना का मिनिस्टर ओबनबार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेविड पैटरसन ये ऐलान किए हैं कि खुयाना और सुरीनाम देश एक साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं एक पुल बनाने को क्वारंटाइन नदी के ऊपर, यहाँ पर लोग दोनों देशों को जोड़ने के वास्ते यह पुल बनाना चाहते हैं। यह पुल जो है सुरीनाम और खुयाना के दरमियान यह बहुत ज़रूरी है और दोनों देशों ऐसा चाहते हैं और यह बातचीत इस सिलसिले में हो चुका है सुरीनाम देश के ओबनबार वर्कन का मिनिस्टर के ज़रिए, इनके साथ यह बातचीत हो चुका है। ये एक प्रायोरिटी है, एक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है खुयाना और सुरीनाम का, क्योंकि दोनों देशों चाहते हैं कि ये पुल या ब्रिज जो है ये आए। दोनों देशों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, ना सिर्फ टूरिज्म के क्षेत्र पर लेकिन हंडल के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा दोनों देशों के वास्ते, और इस बारे में अगले साल आगे बातचीत होगा। एनडीपी का फ्रक्सी जो है जेमी कास्दीपो वी जोयो को ये आगे रखे है फोशेतर बनने को कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ का, और ये बताएं हम आपको बता सकते हैं कि जेमी कास्दीपो वी जोयो जो है ये फ़रवरी में बेद हुआ है, इनको नियुक्त लोग किए हैं प्लांस पर फंगत लिथ होफन यूस्टिसी का, और इसके अलावा ऑफिसर फन यूस्टिसी ग्लोरिया स्टेरलिंग जो है ये ऑंडर फोरशेटर, इनको लोग फोरड्राफ्ट इनका किए हैं ऑंडर फोरशेटर बनने को कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ का। साथ में जो फोरड्राफ्टन आई है ये डीएनआ में पेश हुआ है, डीएनआ का फोरशेटर जो है यानी सीमोंस इसके बारे में बातचीत किए हैं, बाकी के लेडन जो लोग जिनके नाम लोग सामने रखे हैं वो है यूरेस्टन अनुराधा रामोदार अकाओ माखदा फिनोक्स हुफर और माया मनोहर फोकी, ये सब प्लाट्स परफॉर्मेंस लेडन रहेगा और या प्लाट्स परफॉर्मेंस लेडन ये सब रहेगा, और प्लाट्स परफॉर्मेंस लेडन के नाम में नाम लिया गया है एनडीपी फ्रक्सी के जरिए यूरेस्टन रिनेट जोकार्टो बिन सोयो और जॉर्नेल फिंक वॉलक। फ्रक्सी लेडर एनडीपी का अमजद अब्दुल बेशतर कह चुके थे कि एनडीपी की तरफ से ये फोरड्राफ्ट आएगा, और अब ये फोरड्राफ्ट हो गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ में कितने लोग और कौन से लोग बैठक लेंगे इसके लिए फोरड्राफ्ट जो है ये पार्लियामेंट में इन लोगों का नाम लिया गया है। इन सभी का करिकुलम फिते जो है इसमें भी पेश किया गया है दयाना में, और ये बताया गया है कि सभी तजुर्बेकार और विशेषज्ञ लोग हैं और इस पदवी के लिए लोग काबिल है। आर्टिकल 3 जो है वैत इस वैत का ये कहते हैं कि जो फोरशेटर है और फीस फोरशेटर है और सभी लेडन और प्रांस परफॉर्मेंस लेडन जो है ये सब इन लोगों का फोरड्राफ्ट जो है डीएनआ में होगा, और ये सब प्रेसिडेंट के जरिए बनुम होगा 5 साल के वास्ते। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एक डेंगे मस्जिद के बारे में, डेंगे ये मस्कीटो जो है इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं
कि एक खबर आई है बीओखी के ज़रिए लोगों को सावधान करने के लिए कि यह बारिश का मौसम जो है और बारिश से ये मस्कीट प्लाग जो है यह हो सकता है। सुरीनाम में अभी तक नहीं आई है लेकिन रेगियो में बहुत से देशों में एक डेंगू प्लाग है, तो इसलिए आपको हम सब सावधान करते हैं। यह खबर आज अखबार में भी लिखा गया है कि आपको बच के रहना है और कैसे आपको बच के रहना है। हो सकता है कि आप कहीं आसपास में रहते हैं जहाँ पर पानी है, तो ये पानी आपको खाली करना है, ये पानी आपको ढक कर आपको या रखना है। और ये पता आपको होना चाहिए कि साफ़ पानी में ख़ास तौर पर ये सब अंडा और बच्चा करते हैं, ये डेंगू मस्कीट जो है, तो इसलिए आपको इसके लिए सावधान करना लोग चाहते हैं। और अपने आसपास आप साफ़ रख के ताकि इसका जो मस्कीटा जो है ये और आगे नहीं फैल सके। वैसे हम आपको ये भी बता सकते हैं यह ब्रूड प्लाट्सन जो है जहाँ पर ये सब अंडा और बच्चा करते हैं, आपको इसे नाश करना है, तो इस पर ज़रूर आप गौर करना। और कैसे आप इससे बच सकते हैं, तो ये बताया गया है कि एक क्लॉम्बू में मुसहरी में आप को सोना चाहिए, और हो सकता है तो मस्कीट जेल जो है आप इस्तेमाल कीजिए, न सिर्फ रात के समय लेकिन दिन के समय भी मस्कीट जेल आपको इस्तेमाल करना है। ये डेंगू मस्कीट जो है अगर आपको है तो इसका जो कुछ क्लख्तन आपको हो सकता है मिसल है ब्राकन अचला होफ्ट पेन, आपके आँख के पीछे ओक बॉल जो है इसमें भी आपको पीड़ा रहेगा, स्पीयर पेन खबरेक्स पेन ब्लूडन टनफ्लेस और कुछ भी ऐसे हम आपको जो फशखेंस रहे डेंगू मस्कीट का बताते हैं। आप अगर इसमें से कोई भी फशखेंसल आपके पास है तो आप एक ही दम डॉक्टर के पास जाइए, ये अपने इलाज के वास्ते डॉक्टर में आप जाइए और ये दिखवाइए कि हो सकता है आपको डेंगू मस्की है या डेंगू है या नहीं है, डेंगू बीमारी आपको है या नहीं, तो ज़रूर इस पर आप गौर करना। ये बारिश के मौसम से आने वाले साल आने वाले महीना यानी जनवरी और फरवरी में ये और ज़्यादा हो सकता है, तो आपको इससे बच कर रहना है क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई दवा नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम है 7 दिन का इस साल 2019 के वास्ते। हर एक जो इसमें हमारी मदद किए हैं, साल भर ये प्रोग्राम देखे हैं, न्यूज़ खबरें आप फॉलो किए हैं और अपना आप विचार भी पेश किए हैं, इन लोगों को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं। और साथ में हर एक जो इस प्रोग्राम में मदद करते हैं उनको भी हम शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहते हैं। एक शख्स का नाम जो हम लेना चाहते हैं वो है सागर रेवत, जिनको आप नहीं देखते हैं कैमरा के आगे लेकिन कैमरा के पीछे हमेशा हमारे साथ वो दिए हैं। बाद में बाकी जो है दाहलत सुरीनाम और एरबीएन के जितने लोग हैं जो इसमें मदद करते हैं, सभी को शुक्रिया और धन्यवाद हम कहते हैं। आने वाले हफ्ता 25 तक 26 दिसंबर क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस अभी से हम आपको कहते हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं हम आपको देते हैं जो लोग क्रिसमस मनाते हैं, और पुराने साल के मौके पर पुराने साल की शुभकामनाएं खुशनसीबी हम आपको पेश करते हैं। सावधान रहिए, हिफाजत के साथ जो भी आप करेंगे आप कीजिए यातायात में, और भी जो लोग पटाखे जलाएंगे इत्यादि आपको भी सावधान रहना है, हिफाजत के साथ जो भी करना है ख़ासतौर पर अपने बच्चों पर आप गौर करना। और नए साल के लिए 2020 के लिए हम आपको अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां पेश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर अभी से हम आपको कहते हैं। ये 7 दिन का प्रोग्राम अगले साल जनवरी में फिर से शुरुआत होगा और ये रहेगा पहला प्रोग्राम जनवरी 2020 के लिए रहेगा, जनवरी के 11 तारीख एलफ यानी वारी को। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।